वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होता है वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल में क्या डिससिमिलैरिटीज़ होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है। तो अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो, और हम किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं मोशन, और उस पॉइंट पे वापस अगर हम आ गए, है ना, इस पाथ से हम ए टू बी मूव करते हैं और बी से वापस ए की तरफ आ जाते हैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा एक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केस में क्या होता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइक्लिक होता है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नॉर्मली हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है टी इजिकल टू जीरो पे और इस सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और वापस ये ए पे आ गया, तो यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग जीरो नहीं बोलेंगे, ये टू पाई होगा इस सेंस में, राइट। तो यहां पर हम वापस उसी जगह आ गए थे, बट मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बट यहां पर जो डेल्टा थीटा होगा उसको हम टू पाई बोलेंगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन मूव कर गया। फर्दर अगर हम ऐसे और भी अगर दो साइकिल करें, तीन साइकिल करें, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका मल्टीपल हो जाएगा, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे अगर हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको हमने पॉजिटिव बोला, और वापस हम इसी सेंस में अगर वापस यहां पर आ गए ये जो सेंस होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको यहां पर फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जीरो कह सकते हैं इस तरीके से। मतलब पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं टू पाई रेडियन और वापस फिर क्लॉकवाइज मूव करते हैं टू पाई रेडियन, सो इन दैट केस नेट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम जीरो कह सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, हमें बताया वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी जो होता है वो होता है बी प्लस ए, राइट, ये वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैलिड होता है। मतलब डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू को हम डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल बात करें तो डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू जो होता है इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा टू प्लस डेल्टा थीटा वन। तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है, जो स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरली ट्रीट कर सकते हैं। हम इस चीज को मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं। मैथमेटिकली जैसे अगर हम अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और लेट से हम यहां पे कहीं यहां से ओरिजिन ले रहे हैं और ये पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा है, तो इसका कुछ इनिशियल पोजिशन वैक्टर होगा, लेट से हम इसको आर बोलते हैं टी इजिकल टू जीरो पे, और फिर टी इजिकल टू टी पे लेट से ये कहीं यहां पहुंच गया, तो इसका ये नया पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ये आर इनिशियल हो गया, ये आर फाइनल हो गया, और ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो वेक्टर होगा इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और लेट से यहां पर ये जो सेंटर होगा इस सर्कल का, जिस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी सर्टेन एंगल बना रहा होगा यहां पर, तो लेट से ये यहां पर कुछ थीटा एंगल बना रहा था इस जगह, और ये यहां पर कुछ डेल्टा फाइ सबटेंड करता है, राइट, और ये कुछ थीटा बना रहा है यहां पर, राइट। तो थीटा अगर बना रहा है तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो कितना हो जाएगा आर जो होगा उसको हम बोल सकते हैं अब, क्योंकि देखिए ये जो थीटा होगा ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि इसका जो प्लेन है सर्कल का प्लेन ये है,
और अगर इस सर्कुलर पैटर्न से मूव कर रहा है, तो हम यहां से इसके एक्सिस का एक पॉइंट ले रहे हैं, वहां से एंगल मेजर करेंगे, तो हर एक पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, जो वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा चारों तरफ, तो वो क्या होगा, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। तो चाहे हम आर इनिशियल पे देखें या आर फाइनल पे देखें, ये वैल्यू थीटा ही होगा। तो ये आर जो होगा, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं अगर हम थ्री डायमेंशनल देखें तो ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये थीटा है और ये स्मॉल आर है, तो ये जो रेडियस होगा ये कितना होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये जो कैपिटल आर होगा, हम इसको क्या कह सकते हैं, आर साइन थीटा, नहीं? और डेल्टा फाई की, अच्छा अगर हम ए बी की बात करें, ए बी मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ए बी बेसिकली हम कह सकते हैं डेल्टा आर का जो मॉडुलस होगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, नहीं, ओ डैश यहां पर हो गया, ए यहां पर हो गया, बी यहां पर हो गया, ये मेरा आर है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो कॉर्ड बन रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो लेट से इसको हम सी बोला मैंने अगर, तो ये जो वैल्यू होगा ये मेरा आर है और ये मेरा डेल्टा फाइव बाय टू हो जाएगा, तो ये भी डेल्टा फाइव बाय टू होगा, तो ये कितना होगा, आर साइन डेल्टा फाइव बाय टू, एंड दिस इज ऑल्सो आर साइन डेल्टा फाइव बाय टू। तो ये बेसिकली ये जो हम यहां से कॉर्ड, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड पे, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ए बी जो मेरा होगा उसको हम लिख सकते हैं टू आर साइन डेल्टा फाइव बाय टू, और अगेन इस आर को हम लिख सकते हैं टू स्मॉल आर साइन थीटा, है ना, ये जो भी होगा आर इनिशियल आर फाइनल, आर इनिशियल और आर फाइनल दोनों का ही मॉडुलस जो होगा वो आर होगा, सो आर साइन थीटा साइन डेल्टा फाइव बाय टू। क्लियरली अगर अगर डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, इफ डेल्टा आर टेंस टू जीरो, तो हम इसको डेल्टा आर विल बिकम डी आर, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इन दैट केस डेल्टा फाइव भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, तो हम इस डेल्टा फाइव बाय टू को डिफरेंशियल एंगल जो डिस्प्लेस हुआ है वो लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा आर टेंस टू जीरो, सो डेल फाइव भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, इन दैट केस हम डेल्टा आर को डी आर लिख सकते हैं और टू आर साइन थीटा, और इसको डी फाइव बाय टू लिख सकते हैं। हमें पता है कि फॉर स्मॉल एंगल, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पे साइन डेल्टा फाइव बाय टू है तो वो डी फाइव हो जाए, डी फाइव बाय टू हो जाएगा, ये बहुत स्मॉल है तो हम इसको सिंपली डी फाइव बाय टू लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कम्स टू बी आर डी फाइव साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये रिकॉल करें वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो जैसे ए क्रॉस बी की बात करें तो ए बी साइन थीटा होता है वो, तो हम इसको ए बी साइन थीटा, इस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ए बी साइन थीटा के फॉर्म में, मतलब इसको वेक्टर, इसको वेक्टर ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको वेक्टर बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब ये दोनों ही स्मॉल हो, अदरवाइज ये इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको फिर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ साइन थीटा के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो आर डी फाई साइन थीटा, है ना। तो वेक्टर के, अगर वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दिस इज टेंस टू जीरो, है ना, मतलब जब मेरा जो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज दैट टेंस टू जीरो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम वेक्टरली तभी ट्रीट कर सकते हैं जब मेरा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।